नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट के कार्यालय पर मीटिंग हुई, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया 16 फरवरी 2022 को होली का डांडा पूजन गोविंद देव जी मंदिर के बाहर किया जाएगा। धर्म प्रचारक विजय शंकर पांडे के अनुसार खजाने वालों के रास्ते बद्रीनाथ जी के चौक में 25 वर्षों से होली का डांडा पूजन होली से एक माह पूर्व माघ पूर्णिमा को किया जाता है, जो 25 वर्षों से हो रहा है। आज बाजारों में भीड़ होने की वजह से एवं पार्किंग व्यवस्था से प्रभावित होने के कारण इस वर्ष गोविंद देव जी मंदिर के बाहर संत महंतों के पावन सानिध्य में होली डांडा का पूजन होगा, जो भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से चल रही है। इस परंपरा को शास्त्रोक्त व विधिवक्त निभाया जा सकेगा। श्री गणेशाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री राधा गोविंदाय नमः। आर्ट संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट ने आज कार्यालय पर मीटिंग बुलाई और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो 25 वर्षों से खजाने वालों के रास्ते बद्रीनाथ जी के चौक में होली का डांडा भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए किया जाता रहा है, अब शहर के अंदर स्मार्ट सिटी और ये होने से भीड़ भड़क का ज़्यादा होने लग गया। वाहन की पार्किंग नहीं है, जो मकान जो है व्यापारिक हो गए। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए 16 फरवरी 2022 को गोविंद देव जी मंदिर के बाहर स्थान परिवर्तन करके वहां रोपा जाएगा होली का डांडा, जिसमें सभी संत मंत्रों का पावन सानिध्य होगा।